तो मेरे हिसाब से तो यार गाड़ी अच्छी है, बाकी इसके जो बेस वाले वेरिएंट है ना, बेस बेस से ऊपर वाले, वो भी यार बहुत वैल्यू फॉर मनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेटेबल 08। भाई अपने साथ रहने वाली है टोयोटा की हाई राइडर। आप लोगों को पता होगा कि ये सिबलिंग है ग्रैंड विटारा की। अब इस गाड़ी के अंदर ना सबसे ज़्यादा वेटिंग देखने को मिलती है। बेसिकली टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं उसमें आपको हाई क्रॉस, क्रिस्टा एंड हाई राइडर, इनमें आपको ठीक ठाक वेटिंग देखने के लिए मिलती है। तो सबसे अच्छी एक चीज़ है कि इन तीन गाड़ियों पे कुछ कुछ वेटिंग रिड्यूस हुई है, खासकर आज इसके बारे में बात करेंगे। तो इस पे भी जो वेटिंग पीरियड है वो थोड़ा कम हुआ है। ये इसका टॉप वेरिएंट है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाला। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल जाता है। और माइल्ड हाइब्रिड जो है इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा माइलेज देखने के लिए मिलता है, जो अराउंड 21 KMPL का है एज क्लेम्ड। लेकिन रियल लाइफ में आप बात करोगे, आप इस गाड़ी से आप लगभग लगभग 16-17 का माइलेज निकाल सकते हो। अपने साथ जो कलर रहेगा ये सिल्वर कलर रहेगा, और ये टॉप वेरिएंट है, वी वेरिएंट। इसकी कीमत कितनी पड़ जाती है, तो 16,04,000 की पड़ती है ये, और 18,65,000 रुपये यहाँ पे ये ऑन रोड है। वेटिंग पीरियड की बात करूँगा तो अब इस पर लगभग 4 महीने का वेटिंग पीरियड है। आप ऑटोमेटिक लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी, और मैनुअल लेना चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगी। अपने साथ ये मैनुअल है और वो भाई ऑटोमेटिक है, तो ट्रांसमिशन का चेंज हो जाता है। अब एक बार ये देखेंगे कि 2024 वाला वेरिएंट है ये, कि इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल रहा है। शुरुआत करेंगे एज यूजुअल फ्रंट से। फ्रंट देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ग्रैंड विटारा पसंद आती है, कुछ को ये पसंद आती है, अपना अपना टेस्ट है। लेकिन यहाँ पे टोयोटा की जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको 360 कैमरा मिल जाता है, पूरा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ फ्रंट मिलता है, नीचे ग्रे कलर की स्किड प्लेट मिलती है। ओवरऑल जो लुक है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। इधर की तरफ आपको लाइट्स मिलती हैं, सराउंडिंग्स जो हैं इसकी वो ग्लोसी ब्लैक हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वाइट लाइट के साथ, इधर आपको इंडिकेटर प्लस ये DRL हो जाते हैं, तो लुक ऑब्वियसली अच्छा देते हैं। हुड के अंदर आपको मिलेगा 1.5 लीटर का इंजन, पेट्रोल इंजन है, और पावर जो है इसकी वो आपको ठीक मिल जाती है, जो लगभग 102 BHP की। और NM में बात करोगे, मतलब टॉर्क की बात करोगे, तो 137 NM का टॉर्क मिल जाता है। ये हो जाती है बात। अब आते हैं साइड प्रोफाइल पे। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है ना वो आपको कहीं ना कहीं 4.3 मीटर से ज़्यादा की मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे आपको अलॉयज देखने के लिए मिलेंगे, अपोलो का टायर है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे आपको, और पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। और जो प्रोफाइल है 215/60R17, क्लैडिंग्स भी आपको पूरी मिलेंगी। इधर आपको 360 कैमरा जो लेफ्ट वाला है, इधर भाई आपको इंडिकेटर, बाकी यहाँ पे आपको पिलर्स जो हैं वो ब्लैकआउट मिलेंगे, टिंटेड ग्लास मिलेंगे, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स भी मिलती हैं इसमें, और ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, बाकी पीछे शार्क फिन एंटेना। फ्यूल टैंक इसके अंदर आपको डिसेंट मिल जाता है जो 45 लीटर्स का है। बाकी रियर का लुक इसका काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको ये LED लाइट्स मिलती हैं, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर से कनेक्ट होते हुए दूसरे पॉइंट पे चली जाती हैं, जो ओवरऑल लुक अच्छा देती हैं। नीचे वाला जो पैटर्न है ना उसमें आपको इंडिकेटर, रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर्स हो जाते हैं। बाकी पार्किंग सेंसर्स 4 मिलेंगे, और जो पीछे स्किड प्लेट है ना वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है, और बड़ी भी है सबसे बड़ी बात। नीचे की तरफ आपको एक कैमरा मिल जाएगा, बाकी वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप ये सब मिल जाता है। बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको ठीक मिल जाएगा, ये कुछ रहेगा भाई पूरा बूट स्पेस। इसके नीचे आपको मिल जाएगा स्पेयर व्हील, तो भाई ये है। और जो इसकी प्रोफाइल है सेम 215/60R17 का ही रहने वाला है ये भी। बाकी यहाँ पे एसेसरी के लिए आपको एक ये दे रखा है पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, और भाई बाकी आपको लाइट मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट सीट्स हैं ऊपर, बाकी प्रॉपर क्लैडिंग है और हैंडल है, और बाकी ये हो जाती है बैजिंग टॉप वेरिएंट की न्यू ड्राइव के साथ। चलो रियर में चलते हैं, तो ये कुछ रहेगी इसकी रियर की ट्रिम, जिसमें कि यहाँ पे आपको ये लेदर देखने के लिए मिल रहा है, स्टिचिंग भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, प्लस यहाँ पे भी पूरा लेदर हो जाता है ये। इधर फिनिशेज अच्छी हैं, विंडो का स्विच और ग्लोसी ब्लैक पैनल हो जाता है, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे बोतल रख सकते हो। सीट्स टॉप वेरिएंट जैसे कि, तो भाई लेदर की सीट्स मिलने वाली हैं इसमें, ये पूरा आपको लेदर मिलेगा। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सेंटर में आपको एक आर्म रेस्ट मिलेगा, तो ये है आपका आर्म रेस्ट जिसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स हो गए। और भाई जो सीट्स हैं इनको आप रिक्लाइन नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स्ड हैं,
इसी पॉइंट पर ये फिक्स रहने वाली हैं। लेकिन यार फैब्रिक जो है ना, बेसिकली जो लेदर है ना, वो काफ़ी अच्छा है, प्लस स्टिचिंग भी अच्छी है और जो डिज़ाइन है ना वो भी अच्छा लग रहा है। सीट बेल्ट इसकी 3 पॉइंट है, तीनों की तीनों, और उधर भी आपको आगे वाली सीट जो है, बेसिकली ये जो है ये हाइट एडजस्टिंग मिल जाती हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी में 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, वो भी एक अच्छी चीज़ है। सेंटर में आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, दो आपको सॉकेट हैं टाइप ए एंड टाइप सी, इधर आपको कुछ स्पेस है, और यहाँ पर लेग स्पेस भी आपको डिसेंट मिल जाएगा। इनफैक्ट इस गाड़ी में दिक्कत नहीं आने वाली, व्हील बेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। फ्रंट में चलो तो भाई यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर हो जाएगा और ये हो जाएगी इसकी ट्रिम। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे और ड्राइवर वाला ऑटो अप एंड डाउन फीचर्स के साथ है। बाकी आपके ORVM के कंट्रोल्स हो गए। इधर की तरफ आपको ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का जो लेआउट है ना कम्प्लीटली ब्लैक है। यहाँ पे आप देखो ये भी ब्लैक है, जो ओवरऑल एक ब्लैक थीम मतलब हो गई ना, तो अच्छा लुक दे रहा है। इधर भाई ग्लोसी ब्लैक ABC पेडल और वहाँ पे डेट पेडल दे रखा है प्रॉपर। जो सीट्स हैं वो आपकी इलेक्ट्रिक नहीं है यार, मैनुअल है, इसमें हाइट एडजस्टिंग है ये, और यहाँ से रिक्लाइन भी कर सकते हो। अंदर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो यार ये है आपकी हाईराइडर का इंटीरियर। तो इंटीरियर ऑल ब्लैक है जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे सब आपको फिनिशेस मिलेंगी, ये आपको लेदर मिलेगा, सॉफ्ट टच है ये, और ये वाली जो प्लास्टिक है ये हार्ड प्लास्टिक है। स्टीयरिंग व्हील पूरा राउंड है, लेदर रैप्ड है, और भाई यहाँ पे फिनिशेस हैं आपको सिल्वर। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं टेलीफोनिक, इधर आपको स्टीरियो के हो गए, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल हो गया, प्लस यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स मिलेंगे, और ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स हो गए। ये आपका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये एनालॉग रहने वाला है, और टैकोमीटर जो है आपका 8000 RPM तक है, और स्पीड जो है वो 220 km/h मतलब काफ़ी हो जाती है। यहाँ पे आपका फ्यूल गेज हो गया, और इधर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। बाकी ऑल सीट की यहाँ पे आपको वार्निंग्स मिल जाएंगी। बाकी ये सेंटर में MID है। कंट्रोल इसको यार यहाँ से करना पड़ेगा, ये चीज़ है एक थोड़ी सी जो अपडेट होनी चाहिए भाई मारुति में भी और इसमें भी। बाकी वही सेम आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इस स्टीयरिंग की बात करोगे आपको तो एडजस्टमेंट जो है ना इसमें हाइट एंड रीच दोनों मिल जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी बोनट की विजिबिलिटी देखो आप, बिल्कुल भाई मेरी हाइट से क्लियरली विजिबल हो रहा है ये, और बाकी हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो आप। सेंटर में आपको ये मिल जाएगा स्टीरियो सिस्टम, बड़ी डिस्प्ले है ना, इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाता है। बाकी इंटरफेस तो यार ऑब्वियसली अच्छा है ही। बाकी फिनिशेस जो है इसकी सराउंडिंग्स जो है ना वो आपको ग्लोसी ब्लैक है। इधर आपको हैजार्ड स्विच हो गया, और भाई देखो क्या सही लग रहा है ना, पूरा ये पूरा ही आपका वो रहने वाला है ग्लोसी। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक एसी की यूनिट मिल जाएगी, डुअल जोन नहीं आता इसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप आपको इधर मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिलेगा टाइप ए का, 12 वोल्ट का सॉकेट एक आपको यहाँ मिल गया, एक आपको पीछे बूट में भी दिखाया था। बाकी यहाँ पे स्पेस है, कोई वायरलेस चार्जर वगैरह नहीं है। कीज इसकी कुछ ऐसी हैं, बस टोयोटा की ब्रांडिंग चेंज हो गई, अदरवाइज वही सेम की हैं आपने देखी होंगी। 5-speed गियर बॉक्स है, लेदर रैप्ड है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, ये बड़ा है, और इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो, तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। स्पेस भी इसके अंदर आपको डिसेंट मिल जाएगा, ट्विन का फोल्डर्स यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ पे अपनी की वगैरह रख सकते हो। ये हैंड ब्रेक हो गया, और इधर आपको ग्लव बॉक्स है जो कि कूल्ड नहीं रहने वाला, होना चाहिए था यार ये चीज़। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एक वाइजर है, लेकिन इसमें मिरर है विद लाइट, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इधर आपको ऑटो डिमिंग IRVM, और यहाँ पे भी आपको सेम मिल जाता है वैनिटी मिरर विद लाइट। ये सारा इसका बीच वाला पैनल हो जाता है। हेलोजन के अंदर लाइट्स हैं, यहाँ से आप अपना भाई इसको खोल सकते हो, सनरूफ को, सनग्लास रख सकते हो अपने यहाँ पे, तो ये कुछ है भाई। बस ये चीज़ है थोड़ी सॉफ्ट वैसी सी है, कपड़े वाली टाइप से, ऐसे थोड़ा हार्ड टाइप्स नहीं है ये, तो हार्ड होती तो एक अच्छी चीज़ होती, बट हाँ ठीक है यार, एटलीस्ट पैनोरामिक सनरूफ है, तो ये कुछ रहेगी भाई, है ना, ठीक हो जाती है, काफ़ी वाइड खुलती है ये। तो जी अब बात करते हैं कि इस पे आपको क्या सेफ्टी फीचर्स, जैसे कि मैंने बताया 6 एयरबैग्स है, 6 एयरबैग्स तो हो ही गए, इसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, आइडल स्टार्ट स्टॉप हो गया, आइसोफिक चाइल्ड माउंट्स हो गए, पार्किंग सेंसर्स हो गए, मतलब जो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है ना, बस एक अच्छी चीज़ क्या है, 6 एयरबैग्स के अंदर आपको मिल जाते हैं, प्लस ये ESC वगैरह वाले जो फीचर्स है ना ये आपको मिल जाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है। ओवरऑल यार गाड़ी देखो काफ़ी सही लग रही है। इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप बात करोगे तो टॉप वेरियंट है, तो मुझे लगता है कि जो इसके कंपटीटर्स है ना उसमें भी टॉप वेरिएंट में जाके वो सीट्स वगैरह इलेक्ट्रिक आती हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं बनता।
क्योंकि उसकी प्राइसिंग्स बढ़ जाती हैं। खैर वो डिफरेंट चीज़ हो गई है। तो मेरे हिसाब से तो यार गाड़ी अच्छी है, बाकी इसके जो बेस वाले वेरिएंट है ना, बेस से ऊपर वाले, वो भी यार बहुत वैल्यू फॉर मनी है। मतलब ये वेरिएंट तो वो हो गया कि जिसको भाई सब कुछ कंपनी फिटेड चाहिए और बाहर से एक रुपया भी नहीं लगाना, तो उसके लिए बेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई नीचे वाले वेरिएंट में भी जाता है ना, तो उसको भी काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर होती है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है यार। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी काफ़ी सही है, लुक्स में भी और सब चीज़ों में भी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं यार अब एक दूसरी वीडियो में। आप लोग ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।